नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये दिशा निर्देश 1 जुलाई से स्कूल खुलने, शिक्षकों के अवकाश और जून के वेतन के संबंध में है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। समस्त BSA एवं BEO विशेष ध्यान दें। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से समस्त शिक्षक साथीगण स्कूल आएंगे। देखिए, पहला दिशा निर्देश यही है, ये बिल्कुल 90% कंफर्म हो चुका है कि 1 जुलाई 2021 से सभी शिक्षकों को स्कूल जाना है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय टीम एवं तकनीकी टीम द्वारा विशेष रूप से मानव संपदा पोर्टल पर डेटा का गहनता से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाएगा। तत्क्रम में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। नंबर 1, 2 सितंबर 2019 को निर्गत शासनादेश के क्रम में शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति निर्धारित समय सारणी के अनुसार अनुमोदन किया जाना सुनिश्चित करें। यदि अवकाश स्वीकृत किए जाने में निर्धारित समय सीमा से अतिरिक्त एक दिन भी विलंब होता है तो यह माना जाएगा कि जनपद या ब्लॉक स्तर से शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, अर्थात निर्धारित अवधि में ही बीईओ महोदय को और बीएसए महोदय को और प्रधानाध्यापक महोदय को अवकाश को स्वीकृत करना होगा। उसके बाद दूसरा, आगामी 1 जुलाई 2021 से शिक्षकों के अवकाश अस्वीकृत करने हेतु मानव क्षमता में रिजेक्शन रीजन का ड्रॉप डाउन मेन्यू जोड़ा जा रहा है। यानी जब अवकाश अस्वीकृत करना होगा तो उसमें रिजेक्शन और उसका फिर रीजन का ड्रॉप डाउन मेन्यू जोड़ा गया है, तो उसमें रीजन भी लिखना होगा जिसके माध्यम से अवकाश अस्वीकृत किए जाने का कारण स्पष्ट किया जाएगा। किसी भी अवकाश की रिक्वेस्ट को लंबित रखना या अनाकरण रिजेक्ट करने की स्थिति में बीएसए बीईओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात अगर आपने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो बताना होगा कि आपका अवकाश क्यों अस्वीकृत किया गया है। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो बीएसए और बीईओ महोदय पर कार्रवाई होगी। उसके बाद राज्य स्तर से मानव संपदा की रिपोर्ट में अवकाश विलंब और अस्वीकृत होने की दशा में IVRS के माध्यम से शिक्षकों द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई हेतु सुरक्षित रखी जा रही है। अर्थात राज्य स्तर से IVRS पोर्टल से भी कॉल आ रही है मानव क्षमता के बारे में कि अवकाश स्वीकृत के बारे में पूछा जा रहा है, तो और उसकी रिकॉर्डिंग भी भविष्य में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई तो सुनिश्चित रखी जा रखी है सुरक्षित। उसके बाद नंबर 4, प्रेरणा इंस्पेक्शन मॉड्यूल एवं मानव संपदा लीव रिपोर्ट को लिंक कर यह देखा जाएगा कि कौन कौन से शिक्षक बिना अवकाश लिए अधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक एवं बीईओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद नंबर 5 है, मानव संपदा पर अवकाश अप्लाई होने के उपरांत अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवकाश संबंधी डॉक्यूमेंट हेतु उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। यदि उपरोक्त स्थिति परिलक्षित होती है तो बीईओ के खिलाफ विजिलेंस जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। अर्थात अब आप जब आप अवकाश अप्लाई कर रहे हैं तो स्वीकृत करने में शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा, ना तो फोन किया जाएगा ना उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद नंबर 6, शिक्षकों के जून माह का वेतन 100% ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेजरी माध्यम से वेतन हस्तांतरण न होने की स्थिति में बीईओ एओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एओ कार्यालय द्वारा उपरोक्त व्यवस्था संपूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार का विचलन होने पर एएओ एओ एवं संबंधित पटल सहायक के विरुद्ध विजिलेंस जांच शुरू की जाएगी। नंबर 7,
मानव संपदा पर एरियर हेतु मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। अब जो है जो आपका एरियर होता है उसके लिए भी मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, अतिशीघ्र इसे लाइव किया जाएगा तथा आगामी समय में एरियर का निस्तारण भी ऑनलाइन माध्यम से एओ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आपको एरियर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मानव संपदा पर इसके लिए मॉड्यूल विकसित हो जाएगा, आपको अपने एरियर की डिटेल देनी होगी और उसका भुगतान भी ऑनलाइन आपका हो जाएगा। उसके बाद सर्विस बुक ऑनलाइन माध्यम से ही अद्यावधिक की जाएगी और इस व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद या ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का जमावड़ा नहीं किया जाएगा एवं मानव संपदा में किसी प्रकार की अनियमितता को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं और इन निर्देशों का अगर 100% पालन किया गया तो बहुत अनियमितता खत्म हो जाएगी, शिक्षकों को अवकाश लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगर एरियर के लिए मॉड्यूल भी विकसित हो गया तो एरियर में भी शिक्षकों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।